उत्तर प्रदेश मिर्जापुर लालगंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत बसही ग्राम बनकट से श्री राम मौर्य इंटर कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर अरुण कुमार कहना है कि कई बार सक्षम अधिकारियों को अवगत कराने पर भी नहीं बन रही है पक्की सड़क। 4 वर्षों से दी जा रही है सूचना पर नहीं हो रहा है कोई कार्रवाई। तो आइए हम सुनते हैं अरुण कुमार से। डॉक्टर अरुण कुमार मौर्य नाम है मेरा। क्या समस्या है? समस्या काफी है। ये है कि मैं एक विद्यालय ये बनवा रहा हूँ। इस विद्यालय में ये विद्यालय का क्या नाम है सर? ये विद्यालय का श्री साधु राम गौड़ स्वर्गीय श्री राम मौर्य इंटर कॉलेज मैं अभी निर्माणाधीन में रखा हूँ और आने जाने का रास्ता जो है हमारा बहुत खराब है। हम कई बार प्रधान से विधायक से और जिला पंचायत से सभी से मैं कह डाला और किसी ने इस पे मिट्टी तक नहीं फेंकवा रहे हैं। अच्छा, ये जिसे मान लीजिए स्कूल से चल रहा है 3-4 साल हो गए। 3-4 वर्ष हो गया। 4 वर्षों से मैं लगातार के लिए सड़क नहीं सड़क नहीं है, सड़क है, चक रोड है, उस पे मिट्टी नहीं फेंकवाई जा रही है। मैंने कब से डीएम से प्रधान से जो हमारे यहाँ का ये बनकट बसही ग्राम सभा में पड़ती है और यहाँ का प्रधान जो है मुंशी कोल है वो बिल्कुल नहीं कहा। हम 1076 पर भी फोन किया, लेखपाल ने मुझे कहा कि अरे आप 1076 पर फोन कर दिए, आप हमसे नहीं बताए। हमने कहा कि हम तो सड़क फेंकवाने के लिए मिट्टी फेंकवाने के लिए। अच्छा ठीक है सर, आश्वासन में क्या मिला? आश्वासन में हाँ हम बोल देंगे, लेखपाल बोली कि हम बोल देंगे। अभी तक ना तो प्रधान जी का क्या आश्वासन मिला? कुछ नहीं, उनको वो तो कुछ बोलता ही नहीं है। तो कीचड़ में बच्चे कैसे आते हैं? अब ऐसे आते हैं, समस्या है, छटक के गिर के कभी हम लोग उनको धुलते हैं। और जितने साथी खड़े हैं सब गांव के ही? हाँ सब गांव के हैं, सब आए हैं, सब उनके अभिभावक हैं। अच्छा, और ये सब पीड़ा है। और जैसे हमारे यहाँ बवासीर की दवा है वो भी लोग लेने आते हैं, कहीं मोटरसाइकिल सटक के गिर जाते हैं तो कैसे भी। अच्छा, यहाँ यानी आयुर्वेदिक दवा बहुत ढेर सारी है, पथरी की दवा है। आप भी यहाँ है, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम बाबूलाल है। अच्छा भैया, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि रास्ते की काफी समस्या है और देख भी रहे हैं हम लोग, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए मैं कहना चाहूँगा, हम लोग भी विगत कई सालों से यहाँ पे आ रहे हैं और जैसा अभी डॉक्टर साहब बताए कि यहाँ पे। अच्छा, आप यहाँ के निजी हैं? हाँ हम यहाँ के निजी, लालगंज बगल लालापुर गांव है मेरा। अच्छा ठीक। और यहाँ पे हम लोग हमेशा आते हैं, यहाँ पे कई औषधि चीज ऐसी हैं और यहाँ तक नहीं आँख बनवाने का जो चित्रकूट का सदगुरु आश्रम का संस्थान है यहाँ पे आँख का कैंप भी लगता है और यहाँ पे तो हर 25 तारीख को भारी तादाद में कई सैकड़ों लोग यहाँ आते हैं। और इसके बारे में हम लोग भी SDM के पास गए, धान से भी कहे, आश्वासन दिया गया लेकिन न तो यहाँ ब्लॉक प्रमुख पास भी गए, एक पाइप किसी तरह से मिल गया था लेकिन उसके बावजूद आज तक कोई मिट्टी टूटे नहीं पड़ा, बच्चों को बड़ी परेशानी। अच्छा चलिए भैया, एक लोग आ रहे हैं इनसे जानते हैं। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? संदीप मौर्य। अच्छा जैसे ये बता रहे हैं कि रोड की समस्या काफी है, आप भी यहाँ आए हैं, आप भी लोकल होंगे यहाँ के, आप जानते होंगे समस्या है। यहाँ पे हम लोग हमेशा आते रहते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे अभी यहाँ पे और भी दवा ज्यादातर होती है, डॉक्टर साहब यहाँ पे और जी की दवा करते हैं। हाँ। और यहाँ पे वैसे भी इसमें लॉकडाउन चल रहा है, इसमें मानते हैं कि स्कूल बंद है लेकिन अभी यहाँ पे दवा कराने के लिए तमाम लोग आते हैं और बहुत समस्याएं होती है। कभी कभी लोग मोटरसाइकिल लेके बाइक लेके गिर जाते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि ये जो रोड है इसको, रोड की जो समस्या है इसको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। यानी आप किससे कहना चाहते हैं, सक्षम अधिकारी से, DMSDM या किसी से? यहाँ का तो कार्यकाल प्रधान का होता है तो मैं पहले तो प्रधान को अवगत कराना चाहता हूँ अपने मीडिया के माध्यम से। उसके बाद अगर प्रधान अगर कार्रवाई नहीं करता है तो बड़े उच्च अधिकारी को, शासन को और विधायक या सांसद को अवगत कराऊंगा। चलिए ठीक है, जानकारी।